नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा, आप सभी लोगों का हमारे दृढ़ संकल्प पर न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी की एक और नई क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7। ये क्लास 7 के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। हमारा जो सन 2022 का सिलेबस था एनसीईआरटी का, उसमें आपको 9 चैप्टर देखने को मिलते थे, बट अभी जो अपडेट होकर के सन 2023 का न्यू सिलेबस आया है, उसके अकॉर्डिंग आप केवल 7 चैप्टर ही रह गए हैं। चैप्टर नंबर 6 और जो चैप्टर नंबर 7 पहले हुआ करते थे, जिसमें चैप्टर नंबर 6 का नाम था प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन। इस चैप्टर में वन के बारे में जानकारी दी गई थी, जैसे कि आपके सदाबहार वन होते हैं, उष्णकटिबंधीय, ठीक है, इसके अलावा पर्णपाती वन होते हैं, कभी वनस्पतियां जो होती हैं, ठीक है, शंकुधारी वन होते हैं, घास स्थल होते हैं, घास स्थल में जैसे कि आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, शीतोष्ण घास स्थल है, इसके अलावा झाड़ियां वगैरह, टुंड्रा वनस्पति, इनके बारे में जानकारी दी गई थी, बहुत ही बेसिक बातें थी, तो वो चैप्टर रिमूव कर दिया गया। एंड इसके बाद में चैप्टर नंबर 7 आपका पहले हुआ करता था, उसका नाम था मानवीय पर्यावरण, जिसमें बस्तियां, परिवहन और संचार के बारे में जानकारी दी गई थी कि मानव ने बस्तियां कैसे बसाई, किस प्रकार से जीरो से लेकर के यहां तक आए। एंड इसके बाद में परिवहन के बारे में, जैसे कि सड़क मार्ग हो गया, रेल मार्ग है, जल मार्ग है और वायु मार्ग है, इसके अलावा संचार में, ठीक है, नेटवर्क वगैरह के बारे में बहुत ही बेसिक बातें थोड़ी बहुत बताई गई थी। तो ये दोनों चैप्टर, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 रिमूव कर दिए गए। जो आपका चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 हुआ करता था, ठीक है, एक मिनट, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, ये दो चैप्टर चैप्टर नंबर 6 और 7 की जगह आ चुका है। तो जो आपको पहले चैप्टर नंबर 9 मिलता था, वो आपके सामने चैप्टर नंबर 7 के रूप में है, और ये चैप्टर क्लास 7 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है। ओके, जिन लोगों को नहीं पता है हमने आपको बता दिया, और जो लोग हमारे ये वीडियो देखना चाहते हैं चैप्टर नंबर 6 और 7 के जो रिमूव कर दिए गए, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इन दोनों ही चैप्टर के वीडियो के लिंक दे दी है, आप जाकर देख सकते हैं, दोनों चैप्टर दे दिए गए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे आज के इस चैप्टर का नाम है रेगिस्तान में देवन जीवन। तो बेसिकली रेगिस्तान जो होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका ठंडा रेगिस्तान, एक होता है गर्म रेगिस्तान। तो ठंडा रेगिस्तान को समझने के लिए हमने सहारा डेजर्ट को एग्जांपल के रूप में लिया है, ठीक है। तो गर्म रेगिस्तान सहारा को हम इसमें लेंगे, और इसके माध्यम से हम देखेंगे कि गर्म रेगिस्तान में किस प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। जैसे कि अगर आप सहारा डेजर्ट को देखोगे, तो ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इसका क्षेत्रफल है वो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर, 11 देशों से ये पूरा का पूरा घिरा हुआ है। तो इसकी हम पूरी परिस्थितियां देखेंगे कि यहां पर कौन कौन सी चीजें मौजूद होती हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम मैप के माध्यम से भी समझेंगे कि कितने क्षेत्र में ये फैला हुआ है, सहारा डेजर्ट की जलवायु कैसी है, ठीक है। बेसिकली जो गर्म रेगिस्तान होते हैं, इसके माध्यम से हम गर्म रेगिस्तानों की जलवायु को समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद में सहारा की वनस्पतियां और प्राणी जात, इसी के माध्यम से जो गर्म रेगिस्तान होते हैं वहां पर जो वनस्पतियां पाई जाती हैं, ठीक है, जो प्राणी जात पाए जाते हैं यानी कि जीव जंतु, उनके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा यहां के लोग, ठीक है, तो हम इसके माध्यम से ये समझें कि जितने भी गर्म रेगिस्तान होते हैं वहां पर जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है, ठीक है, उनकी जीवनचर्या कैसी होती है, वो किस प्रकार के रोजगार करते हैं, किस प्रकार का भोजन खाते हैं, इत्यादि चीजों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। इसके बाद में ठंडे रेगिस्तान के रूप में हमारे देश का जो लद्दाख है, ठीक है, लद्दाख, ये हमने एग्जाम्पल के रूप में लिया है, तो हम यहां पर भी समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से, ठीक है, कि भाई ठंडा रेगिस्तान कैसा होता है, ठंडा रेगिस्तान की परिस्थितियां कैसी होती हैं लद्दाख के माध्यम से, ठीक है। ये आपका लद्दाख का मैप दिया गया है पूरा, ये हमारे देश का ठंडा रेगिस्तान इतना क्षेत्र कहा जाता है। पहले इसकी हम विशेषताएं देखेंगे, ठीक है, इसके बाद में यहां पर वन्य जो प्रजातियां हैं, ठीक है, वनस्पतियां और प्राणी जात, दोनों चीजें देखेंगे कि ठंडे रेगिस्तान में कौन कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, एंड इसके अलावा प्राणी जात कौन कौन से पाए जाते हैं, दोनों चीजें। इसके बाद में यहां पर जो लोग रहते हैं वो किस प्रकार के हैं, एंड लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या है, ये भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, बहुत ही सरलता पूर्वक ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप उन्हें इससे पहले हमारे वीडियोस देखें तो आपको पता होगा कि हम हर एक टॉपिक को जीरो से लेकर के एडवांस तक एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है, एक एक शब्द को एक्सप्लेन करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा डाले गए हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, इसलिए नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। और हाँ,
हम आपको बता दें हमारे चैनल पर क्लासिक से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटी की स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी इन तीन की क्लासेस रनिंग में हैं। और साइंस की क्लासेस हम मंडे से स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सभी लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्लेलिस्ट दे दी है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जाकर के अभी तक की आई हुई क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, हमारे चैनल पर प्रीमियम लेवल की क्लासेस बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है, तो यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। साथ ही साथ इसके नोट्स भी दिए जाते हैं। जिन लोगों को एनसीईआरटी के नोट्स लेने हैं, एक तो हमने आप हमको व्हाट्सएप पर मैसेज करके एनसीईआरटी के नोट्स प्राप्त कर सकते हो, अदरवाइज हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दी है नोट्स की, उस लिंक पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली हमारे स्टोर पर चले आएंगे, स्टोर से नोट्स को परचेस कर सकते हैं। जब आप स्टोर के माध्यम से नोट्स को परचेस करेंगे तो आपके ईमेल पर डायरेक्टली नोट्स जाएंगे, याद रखना, ठीक है? जो आप ईमेल लगाएंगे, दे करके लगाना, ईमेल पर नोट्स जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, हाँ, जो लोग व्हाट्सएप के माध्यम से नोट्स लेना चाहते हैं, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते, तो आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले रेगिस्तान की विशेषताएं देखने के, आखिरकार रेगिस्तान कहते किसे, क्या होता क्या रेगिस्तान। तो ये एक शुष्क प्रदेश है। क्या है? शुष्क प्रदेश होता है, यहां पर नमी नहीं आपको देखने को मिलेगी, चाहे आप ठंडे रेगिस्तान में जाओ या गर्म रेगिस्तान में जाओ, शुष्कता आपको यहां पर देखने को मिलेगी। वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा की कमी देखने को मिलेगी, जल की कमी देखने को मिलेगी। इसकी विशेषताएं होती हैं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान, ठीक है भाई, या तो अत्यधिक उच्च तापमान होगा या तो अत्यधिक निम्न तापमान होगा। यानी कि मतलब ये गर्म रेगिस्तान में अगर आप जाओगे तो वहां पर जो आपको टेम्परेचर मिलेगा वो लगभग 50 डिग्री के आसपास तक पहुंच जाएगा वहां का, यानी कि अत्यधिक उच्च हो गया। और अगर आप ठंडे रेगिस्तान में जाओगे तो अत्यधिक निम्न तापमान अर्थात माइनस के 40 डिग्री तक का तापमान वहां पर चलेगा, जहां पर आपको बर्फी बर्फ देखने को मिलेगी। तो रेगिस्तान की पहली विशेषता यह होती है कि अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान। दूसरी विशेषता क्या होती है? वनस्पतियों की विरलता देखने को मिलती है, विरल वनस्पति अर्थात बहुत कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। आप किसी भी रेगिस्तान में चले जाओ, आपको बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियां या बहुत घने पेड़ नहीं मिलेंगे, बहुत ही विरल वनस्पति यानी कि बहुत ही बहरी, बहुत ही कम पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इन क्षेत्रों में कम वर्षा होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है, आप किसी भी रेगिस्तानी इलाके में चले जाओ वर्षा बहुत कम देखने को मिलेगी, और विरल वनस्पति है हम देख चुके। एवं चरम तापमान, चरम तापमान का अर्थ यह है कि अगर आप ठंडे इलाके में जा रहे हो, ठीक है, मतलब ठंडे रेगिस्तान में जा रहे हो तो आपको माइनस के काओ 40 डिग्री तक का टेम्परेचर वहां पर मिल जाए, ठीक है, और अगर आप गर्म रेगिस्तान में जा रहे हो तो आपको काओ प्लस का 50 डिग्री टेम्परेचर तक मिल जाए। यानी कि जो जिस प्रकार के रेगिस्तान में जाओगे वहां का जो तापमान होगा वो चरम होगा। चरम का अर्थ है ठंडे रेगिस्तान में तो चरम लेवल का मतलब एक्सट्रीम लेवल का ठंडा तापमान, और गर्म रेगिस्तान में गए तो एक्सट्रीम लेवल का गर्म तापमान, ठीक है। तो यहां पर चरम तापमान का अर्थ ये, तापमान के आधार पर रेगिस्तान गर्म या ठंडे हो सकते हैं। कोई भी रेगिस्तान ठंडा है या गर्म है यह तापमान के आधार पर ही डिसाइड होता है। इन स्थानों में जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, भाई आप किसी भी रेगिस्तान में चले जाओ जहां कहीं भी थोड़ा बहुत जल देखने को मिलता है, ठीक है, वहां पर लोग कृषि करने के लिए बस जाते हैं। जैसे कि सारा रेगिस्तान का हम एग्जांपल लें तो यहाँ पर अभी हम समझेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर मानव लोग रहते हैं, ठीक है। तो जो कोई भी रेगिस्तान होता है, जहाँ कहीं भी रेगिस्तान में थोड़ा बहुत जल उपलब्ध होता है, ठीक है, तो वहीं पर लोग रहने के लिए बस जाते हैं, खेती वगैरह करने लगते हैं और वहीं पर अपनी एक्टिविटीज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में हम सबसे पहले गर्म रेगिस्तान सहारा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि जो रेगिस्तान गर्म होते हैं वहाँ पर किस प्रकार की परिस्थितियाँ देखने को मिलती हैं। तो रेगिस्तान अगर सहारा की बात की है तो पहले सहारा के बारे में कुछ विशेष पॉइंट नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह उत्तर अफ्रीका के बड़े भूभाग में फैला हुआ है। कहां पर? उत्तरी अफ्रीका के बहुत बड़े भूभाग में, एशिया से थोड़ा ही दूर है, बहुत बड़े भूभाग में फैला हुआ है और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान यही है, नोट कर लीजिएगा। प्रश्न अगर आता है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है तो सहारा डेजर्ट ही विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अच्छा, इसकी मतलब क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, तो 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये पूरा फैला हुआ है। अच्छा, अगर इसका अंदाजा लगाना चाहो कि कितने बड़े भाग में फैला हुआ है तो हमारे भारत देश का क्षेत्रफल है वो 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर इस आधार पर देखा है तो भारत से लगभग 2.5-3 गुना बड़ा ये पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट ये है कि सहारा का जो रेगिस्तान है वो 11 देशों से घिरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा रेगिस्तान, इसके आसपास ऐसे 11 देश आपको देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 11 देश होंगे? सबसे पहला मिलता है अल्जीरिया, फिर चाड़, फिर मिस्र, फिर लीबिया, 4 हो गए, 5वां माली, 6ठा मेरिटानिया, 7वां मोरक्को, 8वां नाइजर, 9वां सूडान, 10वां
ट्यूनीशिया और 11वां है आपका पश्चिमी सहारा। तो ये 11 देश हैं जिन 11 देशों से आपका सहारा डेजर्ट पूरा घिरा हुआ है। अभी मैप के माध्यम से भी समझें कि कौन सा देश किस तरह पाया जाता है एंड सहारा जो डेजर्ट है ये पूरा का पूरा कहां पर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सहारा मरुस्थल बारू की विशाल परतों से ढका हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो बालू की विशाल परतें आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जैसे आपने कभी कभी मूवीज़ में देखा होगा, वीडियोस में देखा होगा, डेजर्ट में, रेगिस्तान इलाके में, दुबई वगैरह में आपने देखा होगा कि बालू ही बालू देखने को मिलती है, तो वही परिस्थितियाँ यहाँ पर भी हैं, ठीक है। एवं यहाँ पर क्या है कि केवल इतना ही नहीं है कि भाई बालू की विशाल परतें ही देखने को मिलती हैं, इसके अलावा बजरी के मैदान भी हैं, ठीक है। बजरी किसे कहते हैं, तो आप जो गिट्टी कहते हो महीन वाली, ठीक है, उस गिट्टी के बहुत महीन महीन बजरी होती है गिट्टी, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो जब कभी भी रोड पर, ठीक है, जो डामर रोड बनती हैं, ठीक है, रोड बनाई जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जीटी रोड, तो वहां पर देखोगे कि जब डामर कम मिलाया जाता है चारकोल तो उसमें क्या होता है, थोड़े दिन बाद वो रोड उखड़ने लगती है, ठीक है, वहाँ पर गिट्टी निकल आती है, डामर ख़त्म हो जाता है, तो फिर वो जो गिट्टी आसपास फैलती है वो बजरी होती है। जब हम मोहरम को छानते हैं तो उससे बजरी निकलती है, ठीक है। तो बजरी के मैदान भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नग्न चट्टानी सतह वाले उत्थित पठार भी यहाँ पर पाए जाते हैं। देखो यहाँ पर इस चित्र में अगर आप देखो तो तीनों परिस्थितियाँ मौजूद हैं। ये आपको बजरी वाली इलाका देखने को मिल रहा है, ठीक है, ये बजरी वाला, ये आपको रेतीला स्थान देखने को मिल रहा है, और ये आपको पठारी सतह देखने को मिल रही है। देखो नग्न चट्टानी सतह होती है, जो पठार होता है वो बिल्कुल फ्लैट होता है कहीं कहीं पर, ठीक है, और कहीं कहीं पर ऐसे भी पठार पाए जैसे आप देख रहे हैं, ये पठार। तो आप अगर सारा के रेगिस्तान में देखो तो तीनों परिस्थितियां मौजूद हैं, बजरी के मैदान भी हैं, बालू की विशाल परतें भी हैं, और यहां पर नग्न चट्टानी सतह वाले पठार भी पाए जाते हैं, ठीक है। पठारों का निर्माण कैसे होता है, तो ज्वालामुखी के माध्यम से पठारों का निर्माण होता है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में। ये जो चट्टाने हैं पठार वाली, इनकी सतहें कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची होती हैं, यानी कि इन जो ये पठार आपको देखने को मिलते हैं ये 2500 मीटर की ऊंचाई तक यहां पर पाए जाते हैं, ठीक है भाई। ये पूरा का पूरा रेगिस्तान है और ऐसे 2500 मीटर की ऊंचाई वाले यहां पर ऐसे पठार पाए जाते हैं, जो कि जिनकी चट्टानी सतह जो है बिल्कुल नग्न है, और मतलब आपको गर्म होती देखने को मिलेगी, जब बहुत तेज धूप होती है तो ये गर्म हो जाते हैं बहुत अधिक, ठीक है। तो 2500 मीटर की ऊंचाई वाले यहां पर ऐसे पठार देखने को मिलते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि सहारा का जो डेजर्ट है, आज का सारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतया हरा भरा मैदान हुआ करता था। जैसे आज हमारे भारत में आप देख रहे हो, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, इसके अलावा आपको और भी कई सारे राज्य मिलते हैं जहां पर आज हम हरा भरा इलाका देखते हैं, खेती करते आराम से। तो इसी प्रकार से एक टाइम पर सारा डेजर्ट भी हुआ करता था। सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्रों से ज्ञात होता है, यहां पर कई सारी गुफाएं मिली हैं और उन गुफाओं में चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों से हमें पता चलता है कि यहां नदियां तथा मगर पाए जाते थे, मगरमच्छ, ठीक है, और नदियां दोनों ही चीजें पाई जाती थी। हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु तथा बकरियां सामान्य जानवर यहां के थे, ठीक है, सामान्य जानवर हैं ये जो कि यहां पर पाए जाते थे। कौन कौन से? हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और बकरियां, ये सारे के सारे जानवर यहां के सामान्यता पाए जाने वाले जानवर एक टाइम पर हुआ करते थे। परंतु यहां के जलवायु परिवर्तन ने, जिस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन होता है, तो यहां पर भी जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन ने इसे बहुत गर्म व शुष्क प्रदेश में बदल दिया। अब जब इलाका बहुत गर्म और शुष्क प्रदेश में बदल गया तो यहां पर रहने वाले हाथी, शेर, जिराफ, शुतुरमुर्ग, भेड़, पशु और भी कई सारे पशु थे जैसे कि बकरियां हो गई, तो ये सारे के सारे विलुप्त हो गए। आज के टाइम पर ये यहां पर नहीं पाए जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि भाई यहां पर कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, तो वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार मैप में हम सारा डेजर्ट को देख लेते, तो ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप में ऊपर साइड जब आप जाएंगे उत्तर की ओर, तो यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है सहारा का पूरा डेजर्ट। अच्छा, सहारा का जो डेजर्ट है, अगर आप इसे देखोगे, इसकी स्थितियाँ देखोगे, तो कर्क रेखा के आसपास ये पाया जाता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपको कहाँ पर, हाँ,
यहाँ से आपको 20 डिग्री की लाइन ये देखने को मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये कर्क रेखा देखने को मिलती है, ठीक है। ये कर्क रेखा से लगभग आधा इधर है और आधा इधर है, ये पूरा का पूरा सारा रेगिस्तान, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि कर्क रेखा के आसपास फैला हुआ है हमारा पूरा का पूरा सहारा डेजर्ट, ठीक है। ये आप याद रखना, अर्थात ये उपोष्ण प्रदेश में पाया जाता है। कौन से प्रदेश में? उपोष्ण प्रदेश में पाया जाता है। प्रश्न आ सकता है कि भाई सहारा डेजर्ट किस प्रदेश में पाया जाता है, तो ये उपोष्ण प्रदेश में पाया जाता है। हमने आपको बताया था कर्क रेखा से 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री उधर का जो एरिया होता है, इसे उपोष्ण प्रदेश का नाम दिया गया। किसे? इसे उपोष्ण का नाम दिया गया, उपोष्ण, ठीक है। पिछले चैप्टर में हमने जो प्रदेश होते हैं अलग अलग करके कटिबंध होते हैं, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश दो प्रदेशों को डिटेल में डिस्कस किया था, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सारे वीडियोज देख सकते हैं। तो सहारा डेजर्ट जो है ये उपोष्ण प्रदेश में पाया जाता है और थोड़ा सा इससे ज्यादा ही आगे पीछे निकल जाता है। आप याद रखना कि कर्क रेखा इससे इसके लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है, क्योंकि ये रही कर्क रेखा आपकी, ये ठीक है, ये है कर्क रेखा और आप देखो लगभग मध्य से होकर जा रही है। अच्छा, 11 देश कौन कौन से हैं जो इसके आसपास पूरे फैले हुए हैं? तो आप दोनों में देख सकते हो, इसमें भी, इसमें भी, ठीक है। ये जो मैप है, अगर आप इसमें देखोगे तो ये चैप्टर में दिया गया था, ये हमने अलग से इसमें रखा हुआ है। अगर आप इसमें देखो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1 मिनट, ये 12वां भी दिया जा रहा है, ये थोड़ा सा बाहर चला जाता है, ठीक है। एक मिनट, इसमें देखते हैं, पश्चिमी सारा, मोरक्को, ट्यूनीसिया, अल्जीरिया इसके अंदर आ जाता है, लीबिया, मिस्र, इसके भी ये अलग चला था, हाँ ये अलग चला जाएगा, ये जो इरिटिया है ये अलग आ जाता है, इसे हमने नहीं जोड़ा था, ठीक है। सूडान हो गया, चाड़ है, नाइजर है, माली है, इसी तरह से इसमें सूडान, चाड़, नाइजर, माली, मैरितानिया सभी को जोड़ा था, हमने इरिटिया को नहीं जोड़ा था। आप देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ इसमें अगर हम देखें तो अल्जीरिया, चाड़, मिस्र, लीबिया, माली, मैरितानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया और ये आपका पश्चिमी सहारा, ठीक है। इसमें आपको ये इटीसिया देखने को नहीं मिलता है और ये इसलिए नहीं देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ तक ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, ये आप ऐसे देख सकते हो, ठीक है। इटीसिया जो है इससे थोड़ा सा अलग है, इसमें ज़रूर दिखा दिया गया है इसमें, बट ये बिल्कुल जुड़ा हुआ नहीं है, ये सैटेलाइट वाला है, ये तो पुराना थोड़ा सा है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आप इसको याद रखना कि इटीसिया जो है इससे जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, इटीसिया थोड़ा सा इससे दूर रहता है, ठीक है। इटीरिया है, एक मिनट, इरिटारिया है, ठीक है, थोड़ा सा अटपेटा इसका नाम है, तो इसे आप याद रखना। चलिए, हाँ आगे बढ़ते हैं। इसमें यहाँ पर हमने देख लिया कहाँ पर ये पाया जाता है, अब इसके बारे में जलवायु यहाँ की डिस्कस करते हैं, फिर यहाँ की वनस्पति और प्राणी जात डिस्कस करेंगे। देखो, सहारा की अगर जलवायु की बात की जाए तो हम पहले ही देख चुके हैं कि जितने भी रेगिस्तान होते वहाँ पर शुष्कता पाई जाती है, बरसात कम होती, तो वही चीज़ें यहाँ पर भी हैं। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। अच्छा, गर्म क्यों है? क्योंकि ये गर्म रेगिस्तान है। शुष्क क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बरसात नहीं होती है। यहाँ की जो वर्षा ऋतु है वो अल्पकाल के लिए होती है। भाई हो गई तो हो गई, नहीं हो गई तो राम राम जपो बैठ के, ठीक है। तो यहां पर जो वर्षा ऋतु है वो अल्पकाल के लिए होती है। यहां आकाश बादल रहित एवं निर्मल होते हैं। जो आकाश अगर आप देखोगे तो यहां पर जब बादल होंगे तभी बरसात होगी, और बरसात होनी नहीं तो बादल की क्या आवश्यकता, इसलिए आकाश बादल रहित और निर्मल होते हैं, यानी साफ बिल्कुल दिखाई देते हैं, ठीक है। यहां नमी संचय होने की अपेक्षा तेजी से वाष्पित हो जाती है, यानी कि अगर आप पानी यहां पर डालोगे जमीन में तो वो जमीन में अंदर नहीं जाएगा बल्कि वाष्पित होकर के पुनः उड़ जाएगा, ठीक है, वो गर्म होगा और वाष्पित हो जाएगा। इस तरह की परिस्थितियां यहां पर आपको जलवायु देखने को मिलती है। हाँ, अगर दिन और रात की बात की तो दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं। आप किसी भी टाइम में चले जाओ, ठीक है, किसी भी मौसम में जाओ, दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होंगे। दिन के समय यहाँ का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है, इससे भी ऊपर पहुँच जाता है। अब 50 डिग्री सेल्सियस अपने आप में एक बहुत हाई टेम्परेचर है, और इससे भी ऊपर चला जाता है तो आप समझ सकते हो कि कितना अधिक गर्म होगा, जिससे रेत और जो नग्न चट्टानें होती हैं वो अत्यधिक गर्म हो जाती हैं। अच्छा, नग्न चट्टानें जो शब्द का यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, इस चीज़ को समझ लो। नग्न चट्टानों का अर्थ है कि इनके ऊपर घास जैसे, पेड़ जैसे कोई
कोई भी चीज़ें पाई नहीं जाती हैं। जैसे कि आप अगर भारत वगैरह में आओगे, यहाँ पर देखोगे तो जितने भी आपको पर्वतीय इलाके मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो पठारी इलाका क्यों ना हो, वहाँ पर पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। बट यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें ना तो पेड़ पौधे, ना ही घास है, कोई भी चीज़ नहीं पाई जाती, बिल्कुल सपाट एकदम नग्न चट्टानें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसके पीछे का रीज़न एक और है कि यहाँ पर जल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जल संचित नहीं होता है इन चट्टानों में, बल्कि वो जल वाष्प बन के उड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ की जो चट्टानें हैं और जो रेत है वो बहुत अत्यधिक गर्म हो जाती है, इसके ताप का विकिरण होने से चारों तरफ सब कुछ गर्म हो जाता है। जैसे कि अगर आप किसी लोहे की रॉड को गर्म करोगे, एग्जांपल के रूप में सर्दी के टाइम पर हम रूम में हीटर लगाते हैं, ठीक है, और हीटर तो थोड़े बीच में जलता है लेकिन पूरे रूम को जैसे गर्म कर देता है, इसी तरह से जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये चट्टानें और रेत गर्म होती है, इसका विकिरण निकलता है और आसपास के पूरे इलाके को बहुत अधिक इसका जो विकिरण निकलता है, ठीक है, ताप का विकिरण, इससे क्या होता है पूरे आसपास के इलाके गर्म हो जाते हैं। ठीक है, रातों की अगर बात की जाए तो रातें अत्यधिक ठंडी होती हैं यहां पर। ठीक है, जितना अधिक गर्म होता है दिन उतना ही अधिक ठंडी यहाँ पर रातें देखने को मिलेंगी, तथा तापमान गिर करके हिमांक बिंदु लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब आप समझ सकते हो 50 डिग्री प्लस, ठीक है, 50 से प्लस का तापमान था दिन का और 10 का लगभग आ जाता है आपका रात का तापमान, तो इतना अधिक गिर जाता है तापमान दिन से रात में। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं और केवल यहीं पर देखने को नहीं मिलती हैं, आप किसी भी रेगिस्तान में चले जाओ जो आपको गर्म रेगिस्तान देखने को मिलेगा, हर रेगिस्तान में यही परिस्थितियाँ होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मतलब दिन अविश्वसनीय रूप से गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट मिलता है सहारा वनस्पति एवं प्राणी जात। सहारा की जो वनस्पतियां हैं, यहाँ पर पाए जाने वाले जो प्राणी जात हैं इनको भी देख लेते हैं। तो सहारा रेगिस्तान की वनस्पतियों में कैक्टस, खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। कौन कौन से पेड़ हैं, एक तो आपका कैक्टस हो गया, ठीक है, जो कि पानी का बहुत कम संचय करता है, इसको पानी बहुत कम चाहिए होता है। दूसरा खजूर का पेड़, ये भी बहुत कम पानी मांगता है, और तीसरा एकेसिया, ये भी बहुत कम पानी मांगता है। तो जो पेड़ बहुत कम पानी में ग्रो कर जाते हैं वो पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। और सिर्फ यहीं पर नहीं, जितने भी रेगिस्तान आप देखोगे गर्म होते वहाँ पर इसी प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कैक्टस को आप ले लो, तो कैक्टस का पेड़ जो होता है ये जब बड़ा होता है तो उसमें देखोगे इसके ऊपर एक बन जाती है, इसकी डाल के ऊपर, ठीक है, इसके पत्तों पे क्या होती है, पत्ते तो बहुत कम ही आते हैं, डाल पर क्या होती है, इसके एक लेयर बन जाती है जो कि पॉलीथीन टाइप की होती है, जिससे क्या होता है पेड़ से जल वाष्पित बहुत कम होता है। ठीक है, पेड़ में पानी का संचय बना रहता है, जल वाष्प बहुत कम होता है, तो इससे इस तरह से क्या करते हैं, ये पानी का संचय करते हैं, पानी को बचा करके रखते हैं पेड़। ऐसे ही पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर मरुधान खजूर के पेड़ों से घिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। अच्छा, मरुधानों का निर्माण कैसे होता है ये अभी हम आगे समझेंगे। ठीक है, अभी आप इतना समझ लो कि जो सहारा का मरुस्थल है यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर मरुधान पाए जाते हैं। यहाँ पर खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ हरित द्वीप भी देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि इतने बीच में मरुधान है तो यहाँ पर आपको ऐसे खजूर के पेड़ देखने को मिलेंगे, बीच में हैं, ठीक है, आसपास हैं, तो यहाँ पर आपको खजूर के पेड़ देखने को मिलेंगे बड़ी मात्रा में। ठीक है, ऊँट है, लकड़बग्गा है, सियार है, लोमड़ी है, बिच्छू है, सांप हैं, और सांपों की विभिन्न प्रजातियां, ठीक है, जो ऐसी प्रजातियां जो जमीन में घिसल के चलती हैं, ठीक है, वो यहां पर बड़ी मात्रा में पाई जाए। जैसे कि भाई ऊंट है, पानी कम इसको चाहिए होता है, यहाँ पर पाया जाता है। लकड़बग्गा है, ये भी यहाँ पर जिंदा रह लेता है। सियार है, लोमड़ी है, ये कुछ ऐसे जीव हैं जो यहाँ पर जी सकते हैं और वो सर्वाइव करते हैं। इसके अलावा बिच्छू है, सांप हैं, और सांप की विभिन्न प्रजातियाँ, छिपकलियाँ यहाँ के प्रमुख जीव हैं। छिपकली को बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो ऐसे जीव जिनको बहुत कम पानी चाहिए होता है वो यहाँ पर पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों को यहाँ से मछलियों के कंकाल भी मिले हैं। अब मछलियों के जब इनको कंकाल मिले तो ये बात इसको साबित कर देता है कि आज से कुछ समय पहले यहाँ पर पानी होगा, ठीक है, और नदियाँ होंगी, क्योंकि नदियों में ही मछलियाँ पाई जाती हैं, मछलियों के कंकाल ये बात साबित करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ ये देखते हैं, देखो मरुधान जो हमने भी कहा था आपको, मरुधान के बारे में अभी हम आगे डिस्कस करें, मरुधान कैसे बनते हैं एंड ये क्या होते हैं। ठीक है, दिया गया है, अभी हम यहाँ पर बता दें फिर आगे बताना पड़ेगा तो वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा, हम एक एक करके डिस्कस करते चलते हैं। लोगों के बारे में बात करें अगर कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है उनके बारे में, तो सहारा रेगिस्तान की कष्टकारी जलवायु में
में भी विभिन्न समुदायों के लोग यहाँ पर रहते हैं। देखो कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ क्यों ना हो, हर इलाके में लोग आपको देखने को मिलेंगे। पर्वतीय इलाके में भी देखने को मिलेंगे, रेगिस्तान में भी देखने को मिलेंगे, मैदान में भी देखने को मिलेंगे। भाई फर्क इतना होता है कि जो कठिन परिस्थितियों वाले इलाके होते हैं वहाँ पर लोग कम रहते हैं, और जैसे मैदानी इलाके होते हैं तो वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो सहारा के रेगिस्तान का अगर आप देखो तो यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही कठिन है। इसके बाद भी यहाँ पर विभिन्न समुदायों के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे जो विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में भाग लेते हैं। इनमें आपको बेदुइन तुआरेग भी शामिल है, यानी कि बेदुइन और तुआरेग दो समुदाय हैं जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा चलवासी जनजाति वाले ये लोग, चलवासी जनजाति के कहे जाते हैं लोग, ठीक है, ऊँट है, ठीक है, बकरी है, भेड़ है, ऊँट है, घोड़े हैं, ऐसे पशुधन को पालते हैं। कौन कौन से पशुधन? बकरी, भेड़, ऊँट, घोड़े, ठीक है, ऐसे चीज़ों को ये लोग पालते हैं। इन पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। ठीक है, जैसे कि भाई ये ऊँट पाल रहे तो ऊँट से इन्हें दूध मिला, इन्होंने बकरी को पाला तो बकरी से इनको दूध मिला, तो ऐसे जानवरों को पालते हैं। ठीक है, एक तो इनको दूध मिलता है, दूसरा दूसरा इनको क्या मिलता है, इनकी खाल से पेटी बना लेते हैं, ठीक है, जूते बना लेते हैं, पानी की बोतल बनाने के लिए चमड़ा इनको प्राप्त हो जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये जो जानवर हैं, इन जानवरों के बालों का प्रयोग चटाई, कालीन, कपड़े एवं कंबल बनाने के लिए भी किया जाता है। जैसे कि आप देखो यहाँ पर जो भेड़ वगैरह पाई जाती हैं, उन भेड़ों के से जो बाल प्राप्त होते हैं उनसे ये कपड़े हैं, कंबल है, ठीक है, चटाई है, कालीन है, ये चीज़ें बना लेते हैं। चमड़ा के लिए इनके पास में और भी जानवर हैं, जैसे कि घोड़ा है, चमड़ा ले लिया उसका, ठीक है, ऊँट है, चमड़ा ले लिया, बकरी है, चमड़ा ले लिया, दूध पाने के लिए बकरी है, भेड़ है, ठीक है, तो ऊंट है, इन चीजों का इस्तेमाल ये लोग किया करते हैं। ठीक है, धूल भरी आंधियों एवं गर्म वायु से बचने के लिए भारी वस्त्र पहनते हैं। ठीक है, तो यहां के लोग जो हैं धूल भरी आंधियों से बचने के लिए, कि भाई धूल भरी जो आंधी है वो इनको मतलब हानि ना पहुंचाए, इससे बचने के लिए, और इसके अलावा और भी कई सारी चीज, गर्म वायु से बचने के लिए, अगर गर्म वायु बहुत तेज लगी तो खाल जल जाएगी, उससे बचने के लिए लोग क्या करते हैं, भारी वस्त्र पहनते हैं। यूजुअली आप लोग देखते हो जिन इलाकों में गर्मी होती वहां पर बहुत कम कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को तो आप देखो कि केवल बनियान पहने घूमते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। जहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, हल्की गर्मी पड़ती है तो फिर तो आप कम कपड़े पहनकर काम चला सकते हो। ठीक है, बट जहाँ पर बहुत तेज हवाएं चल रही गर्म गर्म है वहाँ पर आपको कपड़े पहनकर रहना होगा, जो कि यहाँ पर देखने को मिलता है। अगला पॉइंट, जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाता है। ठीक है, जैसे कि रेत आप देखो तो रेत संगठित नहीं होती, अर्थात रेत बड़े बड़े पत्थरों के रूप में नहीं होती है। ठीक है, और जुड़ी हुई नहीं होती है, ठोस नहीं होती है, तो रेत अलग अलग होती है। ठीक है, महीन महीन होती है, तो रेत को हवा आसानी से उड़ा ले जाती है। तो जब हवा बहुत बड़ी रेत को, बड़ी मात्रा में रेत को अपने साथ में उड़ा ले जाती है तो वहां पर गर्त अर्थात गड्ढे बन जाते, जैसे कि इतने बीच में रेगिस्तान है और इतने बीच की रेत को हवा ने क्या किया, उड़ाकर ले गई। ठीक है, यहाँ की रेत को उड़ाकर ले गई और यहाँ पर डालकर निक्षेपित कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से जब लेकर जाएगी तो यहाँ पर गड्ढा बन जाएगा। ठीक है, अब जहाँ कहीं भी ये गर्त बनते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जो जमीन के अंदर वाला जल होता है, भूमिगत जल होता है, वो सतह पर आ जाता है। कहाँ हो जाता है, वो सतह पर आ जाता है, यानी कि जमीन पर इस गड्ढे में आ जाता है। जब वो जल सतह पर आ जाता है तो वहाँ पर मरुधान बन जाते हैं। क्या होते हैं? मरुधान बन जाते हैं। जैसे कि जब रेत को पवन उड़ा ले जाती है तो वहाँ गर्त बन जाते हैं, अर्थात गड्ढे बन जाते हैं, जहाँ गर्त में भूमिगत जल सतह पर आ जाता है, यानी जो जमीन के अंदर जल पाया जाता है वो जमीन के ऊपर आ जाता है, उस गड्ढे में भर जाता है। जब उस गड्ढे में जल भर जाता है तो वहाँ पर मरुधान बन जाते हैं। ये क्षेत्र उपजाऊ होते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी होता है और लोग इनके आसपास निवास करते एवं खजूर के पेड़ तथा अन्य फसलें उगाते हैं। तो ऐसे स्थान को मरुधान कहा जाता है और मरुधान के आसपास ही खजूर वगैरह के पेड़ उगाए जाते हैं। ये बात आप याद रखें। ठीक है, मरुधान कैसे बनते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जो कि मैंने आपसे ऊपर कहा था कि आगे बताएंगे। कभी कभी जो मरुधान है असामान्य रूप से बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मोरक्को के में एक है मरुधान जिसका नाम है टेफिला लेट मरुधान। ठीक है, ये ऐसा ही एक विशाल मरुधान है जो कि 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, ये विश्व के सबसे बड़े मरुधानों में से एक आता है। ठीक है, तो या इस मरुधान का नाम याद कर लीजिएगा, मोरक्को में टेफिला लेट मरुधान है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 13,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये पूरा का पूरा फैला हुआ है मरुधान। ठीक है, मोरक्को में पाया जाता है, इसका नाम है टेफिला लेट। ठीक है, तो मरुधान कभी कभी असामान्य रूप से बहुत बड़े भी बन जाते हैं, ऐसा नहीं मरुधान छोटे ही होते हैं। सहारा में मरुस्थल एवं मिस्र में नील
घाटी लोगों को निवास में मदद करती है। जो सहारा है यहाँ पर जो मरुधान पाए जाते हैं, ठीक है, सहारा में मरुधान और मिस्र में नील घाटी है, तो ये लोगों को यहाँ पर रहने में काफ़ी मदद करती है। यहाँ जल की उपलब्धता होने से लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं, ठीक है, मरुधान में चूंकि जल की उपलब्धता होती है इसलिए लोग यहाँ पर खजूर का पेड़ उगा लेते हैं और खजूर का व्यापार बड़ी मात्रा में अलग अलग जगह पर होता है। यहाँ चावल, गेहूँ, जौ, सेम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। भाई जहाँ पर पानी होगा वहाँ पर कोई भी फसल आप कर सकते हो, तो यहां पर चावल है, गेहूं है, जौ है और सेम ऐसी फसलें भी यहां पर उगाई जाती हैं। मिस्र में उगाई जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। मिस्र में जो कपास उगाई जाती है ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की कपास सबसे अच्छी कपास मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। तेल की खोज संपूर्ण विश्व में अत्यधिक मांग वाले इस उत्पाद को अल्जीरिया, लीबिया एवं मिस्र में होने के कारण सहारा रेगिस्तान में तेजी से परिवर्तन आ रहा है। अब चूंकि तेल की खोज हो चुकी है और ये तेल कहाँ पर पाया जाता है, ऐसे ही इलाकों में पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाकों में, जैसे कि आप अल्जीरिया देख रहे, लीबिया देख रहे, मिस्र है, तो यहाँ पर तेल बड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। अब चूंकि यहां पर तेल बड़ी मात्रा में है इस वजह से सारा रेगिस्तान जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित होने लगा। यहां पर पैसा आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो इस पूरे के पूरे स्थल को धीरे धीरे चेंज किया जा रहा है, ठीक है, मानव डेवलपमेंट के द्वारा। इन इस क्षेत्र में प्राप्त अन्य महत्वपूर्ण खनिज जो है उसमें लोहा, फास्फोरस, मैग्नीज एवं यूरेनियम ये सभी सम्मिलित हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ पर गर्म रेगिस्तान सहारा को देख लिया, टाइम काफ़ी लग गया, अभी हमने सहारा के लोगों के बारे में समझा, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, यहाँ की विशेषताओं को समझा, यहाँ के वनस्पति को समझा, यहाँ के प्राणी जात को समझा, यहाँ की जलवायु को देखा और सहारा रेगिस्तान के बारे में कुछ विशेष बातें भी हमने यहाँ पर देखी। अब हम बात कर लेते हैं ठंडे रेगिस्तान की, जो कि हमारे भारत देश से हमने इसका एग्जाम्पल लिया, जो कि है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख के बारे में आप सभी लोग थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। आज लद्दाख के बारे में आपको हम कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताएंगे जो कि इस चैप्टर से अलग से हैं। देखो लद्दाख जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है ला और एक है दाख। तो ला का अर्थ होता है पर्वतीय दर्रा और दाख का अर्थ होता है देश, अर्थात पर्वतीय दर्रों वाला देश। तो लद्दाख का अर्थ क्या होता है, पर्वतीय दर्रा वाला देश, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक है द्रास, ठीक है, जो कि लद्दाख में स्थित है, ये बात नोट कर लीजिएगा। पृथ्वी का जो सबसे ठंडा स्थान है द्रास, वो कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि भाई हमारे देश में अलग अलग प्रकार की, जैसे हमने देखा था कौन सी, हमें हमारे देश में सबसे जो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं ठंडे ठंडे, ठीक है, वो यहीं पर पाए, सियाचिन ग्लेशियर वगैरह लद्दाख में ही पाए जाते हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में डिटेल में जाते हैं, पहले लद्दाख के बारे में समझेंगे फिर रेगिस्तान को समझेंगे, ठीक है। तो जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व में वृहद हिमालय में स्थित लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है। कहाँ पर, वृहद हिमालय। हमने जब हिमालय के बारे में पढ़ा था पिछले अध्याय में, तो हमने तीन प्रकार के हिमालय को डिस्कस किया था, एक वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और एक शिवालिक हिमालय कहते हैं, ठीक है। तो तीन प्रकार के हिमालय के बारे में पढ़ा था, जो आपका ये लद्दाख है ये वृहद हिमालय में पाया जाता है, आप याद रखना, ठीक है। ये ठंडा रेगिस्तान है, इसके उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणी एवं दक्षिण में जास्कर पर्वत स्थित है, ठीक है, ये भी याद रखना। जो हमारा ये लद्दाख है पूरा का पूरा, इसके जब आप उत्तर इलाके में जाओगे तो आपको काराकोरम पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी और दक्षिण में आओगे तो जास्कर पर्वत देखने को मिलेगा। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती हैं, बहुत सारी नदियां हैं जो लद्दाख से होकर बहती हैं, जिसमें सिंधु नदी प्रमुख है। सिंधु नदी से कई बार प्रश्न आते रहते हैं और ये भी प्रश्न आ सकता है कि लद्दाख नदी कहाँ से होकर बहती, तो आप याद रखना लद्दाख से होकर ही बहती है। ये नदियाँ गहरी घाटियों एवं महाखड्ड, जिसे गॉर्ज कहा जाता है, इसका निर्माण करती हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर था और उससे पहले वाला जो चैप्टर था, ठीक है, शायद जल वाले चैप्टर में हमने देखा था गॉर्ज का निर्माण कैसे होता है, घाटियों का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, तो इसको हमने समझा था। आप जाकर के उस चैप्टर में इस चीज को समझ लीजिएगा, हम उसे अब यहां पर दोबारा एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि गॉर्ज किसे कहते हैं, उसका निर्माण कैसे होता है। बस इतना याद रखो कि जो यहां से यानी लद्दाख से नदियां निकलती हैं, जैसे कि सिंधु नदी हो गई, तो ये सारी की सारी नदियां मिलकर के यहां पर घाटियों का निर्माण करती हैं और गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है, झरनों का निर्माण करती हैं, तो कई सारी चीजों का निर्माण करती हैं। लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं, जैसे कि गैंगरी हिमानी आपको देखने को मिलती है, तो यहां पर बहुत सारी हिमानियां भी देखने को मिलती हैं। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। तो लद्दाख की अगर ऊंचाई की बात की जाए तो यहाँ पर बहुत अधिक ऊंचाई देखने को मिलती है और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो अत्यधिक शीतल एवं शुष्क है। भाई जहाँ की जलवायु बहुत अधिक ऊंची होगी, मतलब जहाँ ऊंचाई बहुत अधिक होगी, वहाँ
वहाँ की जलवायु आपको शीतल और शुष्क मतलब ऑटोमेटिक देखने को ही मिलेगी। जैसे कि लद्दाख में देखो तो कारगिल में यहाँ पर ऊंचाई आपको देखने मिलती है 3000 मीटर, ठीक है। तो कारगिल का जो जलवायु है बहुत अधिक एक तो ठंडी है, इसके अलावा शुष्क है। हम कई सारे वीडियो भी देखते हैं कारगिल के, कारगिल में भी हमारा युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसे हमने जीता भी था। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी होंगी, ठीक है। कारगिल में ऊंचाई कितनी है 3000 मीटर तक, वहीं काराकोरम में अगर आप चले हो तो 8000 मीटर तक की ऊंचाई में देखने को मिल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस ऊंचाई पर वायु पतली, वायु की जो परत है वो पतली होती है। हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर था, उससे पहले वाला जो चैप्टर था वायु वाले चैप्टर में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो वायु की मात्रा कम होती जाती है और वायु पतली होती जाती है, और जब वायु अत्यधिक पतली हो जाती है तो उस वायु में हम सांस नहीं ले सकते। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा जो लोग मैदानी इलाके में रहते हैं वो जब पर्वतीय इलाके में जाएंगे तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि मैदानी इलाके में जो हवा पाई जाती है ये मोटी हवा होती है, ठीक है। ये इस हवा का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है, ये घनत्व ज़्यादा होता है। लेकिन वहीं जब आप पर्वतीय इलाके में चले जाओ और ऊंचाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो वायु का घनत्व घटता जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको वायु जो मिलेगी वो पतली वायु मिलेगी। अब अगर आप 8000 मीटर की ऊंचाई पर चले जाओ फिर तो वायु बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। वही यहाँ पर कहा जा रहा है इस ऊंचाइयों पर वायु परत जो है पतली होती है जिससे सूर्य की गर्मी की अत्यधिक तीव्रता महसूस होती है। जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो आपको सूर्य की गर्मी की तीव्रता बहुत अधिक महसूस होती जाएगी। ग्रीष्म ऋतु में दिन का जो तापमान है यहाँ का यानी गर्मी के समय में 0 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक ही आपको देखने को मिलेगा, जो गर्मी का तापमान है, ठीक है। आप अगर मैप में देखना चाहते हो तो ये आपका पूरा का पूरा लद्दाख है, लद्दाख वाला क्षेत्र ये कहा जाता है जो कि रेगिस्तानी इलाका है वो यहाँ पर दिखाया गया। यही पूरा का पूरा लद्दाख है, लद्दाख श्रेणी कही जाती है, लद्दाख श्रेणी कहा जाता है रेगिस्तानी वाला पूरा ये इलाका, ठीक है, याद रखना। हाँ, तो गर्मी के समय में यहाँ का जो तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर इससे कुछ अधिक होता है, एवं रात में यहाँ का जो तापमान है 0 से लेकर -30 डिग्री तक चला जाता है। गर्मी के समय की यहाँ पर बात की जा रही है, रात में -30 तक चला जाता है और दिन में 0 डिग्री, ठीक है। वही अगर हम सर्दी की बात करें शीत ऋतु की, तो सर्दी के मौसम में होता क्या है, यहाँ पर ये बर्फीला ठंडा हो जाता है, मतलब बहुत अधिक बर्फीला और बहुत अधिक ठंडा हो जाता है। तापमान लगभग हर समय -40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही रहता है। किसी भी टाइम चले जाओ यहाँ पर -40 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही तापमान देखने को आपको मिलेगा, गर्मी के सर्दी के टाइम की हम बात करें, ठीक है। और गर्मी में रात का तापमान यहाँ पर -30 डिग्री और दिन का एवरेज तापमान की यहाँ पर बात की जा रही है और दिन का यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। तो ये एवरेज तापमान यहाँ पर दिया गया है। चूंकि यह हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, अब आपके मन में सवाल आ रहा हो कि वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, ये भी तो सवाल बनता है ना, वृष्टि छाया क्षेत्र किसे कहते हैं, अभी बताते हैं। अतः यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है, मुश्किल से 10 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। देखो होता क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र उसे कहते हैं जिस क्षेत्र में किसी की वजह से वर्षा ना हो। एग्जाम्पल थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसे। वैसे तो कहा गया है कि भाई वृष्टि छाया क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है, ठीक है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि 10 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है, तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत कम होती है उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। इसमें होता क्या है, अगल बगल शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ की जमीन अत्यधिक कठोर हो जाती है, ठीक है, जिससे यहाँ पर जो है हरियाली का अभाव हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर बरसात होती क्यों नहीं, जैसे कि ये एक पर्वत है, ठीक है, एक पर्वत है, अब इधर से बादल आ रहे थे, ठीक है, इस पर्वत से टकराए और यहाँ पर सारा पानी बरस गया, ठीक है, यहाँ से वहाँ पर सारा पानी बरस गया। अब ये बादल इधर जा ही नहीं पाए जो जाकर के यहाँ पर पानी बरसात कराते, ये वाला जो इलाका कहलाएगा यहाँ पर पानी बरस जाएगा और ये वाला इलाका कहलाएगा वृष्टि छाया क्षेत्र। इस प्रकार से वृष्टि छाया क्षेत्रों का निर्माण होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में पवन जो इसकी डेफिनेशन दी गई है वो ये है कि पर्वत के जिस ढाल पर हवा टकराती है अर्थात इस पर टकराई, ठीक है, और वर्षा होती है उससे पवनमुखी ढाल कहते हैं, ठीक है, ये पवनमुखी ढाल हो गई, ठीक है, पवनमुखी ढाल है और इधर वर्षा हो रही है, ठीक है। दूसरी तरफ क्या कहा जा रहा है, एवं पर्वत के जिस ढाल के सारे हवा नीचे उतर जाती है अर्थात यहाँ पर सारा पानी बरस गया, ठीक है, इसके बाद में इधर तरफ आकर के हवा सारी नीचे उतर गई, ठीक है, क्या होता है नीचे उतरती है उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं, अर्थात इधर टकरा कर पानी बरस गया और हवा इधर आकर के नीचे उतर कर निकल गई, ठीक है, उसे पवन विमुखी ढाल कहते हैं। जो पवन
पवन विमुखी ढाल होती है, इस ढाल पर वर्षा नहीं हो पाती है, अतः इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो ये वाला वृष्टि छाया क्षेत्र होगा, जैसे कि इधर से बादल आ रहे थे, यहाँ पर टकराए और सारा पानी यहाँ पर बरसा दिया, तो ये वाला क्षेत्र कौन सा बन गया, बरसात वाला क्षेत्र बन गया। और जब सारा पानी यहाँ पर बरस जाएगा तो इधर कुछ बरसेगा नहीं, अर्थात ये वाला क्षेत्र जो है वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता। तो इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों को नाम दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखना, चूंकि हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में, हिमालय जो है वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, ठीक है। अच्छा, हिमालय के कुछ ऐसे इलाके जो वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित, जैसे कि आपका ट्रांस हिमालय हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा जास्कर श्रेणी हो गया, ठीक है, ये भी वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। इसके अलावा और भी कई सारे इलाके हैं जो कि वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित हैं, ठीक है। हमारे भारत देश का जो पूर्वी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट का पूर्वी घाट, जैसे कि आप हमारे भारत देश में नीचे देखते हो तो ऐसा मिलता है, ठीक है, यहाँ पर आपको पश्चिमी घाट देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में, अर्थात यहाँ पर तो बहुत बरसात होती है, लेकिन होता क्या है, बादल जब इधर से आते हैं तो इससे टकराकर सारा पानी यहाँ पर बरसा देते हैं, इधर पानी नहीं बरस पाता, तो ये वाला क्षेत्र भी वृष्टि छाया क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर बरसात नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये भी याद रखना। अब लद्दाख को खापाचा भी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है हिमभूमि, ठीक है। तो ये भी याद रखना, लद्दाख को खापाचा भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब अगला पॉइंट मिलता है ठंडा रेगिस्तान लद्दाख, यहाँ की वनस्पति एवं प्राणी जात को भी समझ लो कि यहाँ पर कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है और कौन कौन से प्राणी जातों की प्रचुरता है। यहाँ शुष्क वनस्पति के कारण, ठीक है, एक मिनट, यहाँ उच्च शुष्कता के कारण, यानी कि यहाँ पर जल वाष्प की मात्रा में कमी है, ठीक है। इसके अलावा मौसम में जल की कमी, आपको वातावरण में जल की कमी देखने को मिलती है। तो यहाँ उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है, यहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। तो ये चीज़ देखने को मिलती है कि अगर आप लद्दाख में देखोगे तो यहाँ पर चूंकि वनस्पति की विरलता आपको देखने को मिलेगी, बहुत कम पेड़ देखने को मिलेंगे, इसलिए यहाँ पर जानवरों के चरने के लिए भी मतलब ऐसी घास वगैरह देखने को नहीं मिलती, लेकिन जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ऐसा इलाका है जहाँ पर छोटी झाड़ियाँ मिल जाएँ। घाटी में सरपत अर्थात विलो एवं पॉपलर के उपवन देखने को मिलते हैं, जो घाटी है, ठीक है। एक बार देखना, जो पर्वतीय इलाके होते हैं वहाँ पर शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं, चूँकि वो चैप्टर हटा दिया गया है, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8, तो इसके बारे में बताना मेरा कर्तव्य बनता है। चैप्टर नंबर 6 और 7 हटाया गया, ठीक है, उनमें ही बताया गया था शंकुधारी वनों के बारे में। शंकुधारी वन पर्वतीय इलाके में पाए, जैसे कि पर्वतीय इलाका, यहाँ पर कोई पेड़ होगा तो ऐसा पेड़ नहीं होगा, ऐसा पेड़ होगा तो वो गिर जाएगा, यहाँ पर जो पेड़ होगा वो ऐसा पेड़ पाया जाएगा, शंकुधारी पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है। तो आप देखोगे जब किसी भी पर्वतीय इलाके पर आप जाओगे या फिर उसका वीडियो देखोगे तो वहाँ पर इस प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है। तो घाटी में सरपत अर्थात विलो, ठीक है, इसे विलो भी कहा जाता है, और पॉपलर, इसके उपवन देखे जा सकते हैं, ठीक है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला जो है सरपत के पेड़ से बनाया जाता है, सरपत के पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है सरपत, जिसे विलो भी कहा जाता है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु में सेब है, खुबानी है एवं अखरोट है, इनके जैसे पेड़ पल्लवित होते हैं, यानी कि गर्मी के समय में आपका सेब है, खुबानी है, अखरोट है, इनके पेड़ बड़े होते हैं, इनमें फल वगैरह आते हैं, ठीक है। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां भी पाई जाती हैं, अगर आप लद्दाख में देखोगे सहारा के रेगिस्तान की अपेक्षा यहाँ पर आपको ज़्यादा सुविधाएं देखने को मिलेंगी, ठीक, क्योंकि ठंडा इलाका है। तो यहाँ पर जैसे कि वनस्पतियों की विरलता आपको देखने को मिलती, विभिन्न प्रकार के, देखो विरलता तो है लेकिन विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे देखने को मिल जाए, जैसे कि आपका सरपत है, पॉपुलर है, ये पेड़ पाए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर खजूर वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा ये भी हमने देखा कि सेब है, खुबानी है, अखरोट है, इनके भी पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि सारा के रेगिस्तान में आप अगर फलों की बात करो तो केवल खजूर के पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर प्राणी जात की बात करें तो रॉबिन हो गया, इसके अलावा रेड स्टार्ट हो गया, तिब्बती स्नोकॉक हो गया, रेवन हो गया, हुप है, ठीक है, ये कुछ यहाँ के पक्षी हैं जो पाए जाते हैं, सामान्य पक्षी हैं, और इनमें से कुछ ऐसे पक्षी भी हैं जो प्रवास करके दूसरे इलाके से यहाँ पर आते हैं, ठीक है, प्रवासी पक्षी भी हैं। तो यहाँ पर पक्षियों यानी कि प्राणी जात की भी प्रचुरता है, हमने पक्षी की बात की, जबकि हमने जब रेगिस्तान देखा था तो वहाँ पर पक्षियों के बारे में हमें देखने को नहीं मिला था, ठीक है, वहाँ पर पक्षी वगैरह बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि पाए जाएँ, अधिकतर वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। लद्दाख के पशुओं की अगर बात की जाए तो यहाँ पशुओं में जंगली बकरी,
इसके अलावा जंगली भेड़, याक, विशेष प्रकार के कुत्ते आदि पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पशुओं की अगर बात करें तो पशु भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देखने को मिल जाते हैं। इन पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए पाला जाता है। तो देखो जितने भी रेगिस्तानी इलाके हैं वहाँ पर जो पशु पाए जाते हैं, पशु जितने भी पाले जाते हैं, उन सभी पशुओं को दूध, मांस और खाल प्राप्त करने के लिए ही पाला जाता है। क्योंकि भाई भोजन मिल पाना अनिश्चितकालीन के लिए होता है भाई, कभी कभी फसल आई कभी नहीं आई, कभी बाहर से हम सब्जियों को इम्पोर्ट कर पाए कभी नहीं कर पाए, जब नहीं कर पाएंगे तो इन्हीं पर निर्भर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। हम देखते हैं एक कश्मीर साइड में, हमारे यहाँ पर एक लद्दाख से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो लद्दाख कश्मीर में वहीं पर एक बकरी पाई जाती है, ठीक है, पश्मीना बकरी, ठीक है, उससे ऊन बनती पश्मीना ऊन, और उससे शॉल बनाई जाती पश्मीना शॉल, वो बहुत महंगी शॉल होती। ठीक है, हमने यहाँ तक देखा है कि कश्मीर में दो दो तीन तीन लाख की मतलब शॉलें बनाई जाती, तीन तीन लाख की शॉलें बनाई जाती हैं शॉल, जो कि लोग ओढ़ते हैं, ठीक है, सर्दियों के टाइम पर। तो यहाँ पर ये प्रमुख इनका व्यवसाय होता है। ठीक है, चीरू या तिब्बती एंटीलोप एक लुप्त प्राय जीव है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। इसका शिकार सहतूस नामक उसके ऊन के लिए होता था। ठीक है, यहाँ पर एक चीरू कहो या फिर तिब्बती एंटीलोप को, ये एक विलुप्त प्राय जीव है, इसका वहाँ पर बहुत अधिक शिकार हुआ जिस वजह से ये अब बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसका शिकार जो है सहतूस नाम की एक ऊन है, इससे प्राप्त होती थी, इसके लिए किया जाता जो कि वजन में बहुत हल्की होती थी लेकिन अत्यधिक गर्म होती है, तो इस वजह से इस जानवर का बहुत शिकार किया गया ये ऊन प्राप्त करने के लिए। भाई हम मानव कितने हत्यारे हैं भाई, हम एक की बात नहीं कर रहे, वैसे मैं तो बिल्कुल ही पूर्ण रूप से शाकाहारी हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ों से हम दूर नहीं रह सकते हैं जो जानवरों के हिंसा से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जानवरों से हिंसा से जुड़ी हुई हैं, तो ये मानवों ने क्या क्या विनाश किया है, और देखना है एक दिन पृथ्वी को भी मानव ही ले डूबेंगे। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में जो लोग रहते हैं, लोगों के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ के अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या तो बौद्ध हैं। वास्तव में लद्दाख क्षेत्र में अनेक बौद्ध मठ अपने परंपरागत गोम्पा के साथ में स्थित हैं। यहाँ पर कुछ प्रसिद्ध मठ भी हैं, हेमिस, थिक्से से एवं लामा यूरो, ठीक है, तो ये कुछ प्रसिद्ध मठ भी हैं। गोम्पा यहाँ पर बनाए जाते थे, तो अपने परंपरागत गोम्पा के साथ में ये यहाँ पर इससे, जैसे आप देखते हो अलग अलग क्षेत्रों में मतलब बिहार वगैरह बनाए जाते थे, तो यहाँ पर गोम्पाओं का निर्माण होता था। आप डाल लीजिए गूगल पर गोम्पा, आपको गोम्पा, ठीक है, GONPA, तो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोगों की बात करें तो यहाँ पर धर्म की अगर बात की जाए तो अधिकांश लोग जो है मुसलमान देखने को मिलेंगे। जो थोड़े बहुत हिंदू थे या तो मार के भगा दिए गए या तो मार डाले गए वहाँ पर। ठीक है, आपने कश्मीर फाइल में देखा, उसमें एक एक चीज़ सच बताई गई थी, वो उसी इलाके में पाया जाता है। ठीक है, उसी इलाके में पाया जाता है, तो ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं आज के टाइम पर या तो आपको मुसलमान देखने को मिलेंगे या तो बौद्ध देखने को मिलेंगे। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में यहाँ के निवासी जौ, आलू, मटर, सेम एवं शलजम की खेती करते हैं। ऋतु में जलवायु इतनी, एक मिनट, यहाँ पर जो ऋतु केवल दिया गया, शीत ऋतु की यहाँ पर बात की जा रही है, कौन सी शीत ऋतु की, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, शीत यहाँ पर एड नहीं कर पाए थे, अगर आपके पास में PDF है तो आप थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर शीत ऋतु होगा, कि हमने यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु की बात की। ग्रीष्म ऋतु जब यहाँ पर आती है तो इतनी यहाँ पर ये खेती करते हैं, जौ है, आलू है, मटर है, सेम है, शलजम है, इनकी खेती की जाती है। लेकिन जब सर्दी आती है तो सर्दी में जलवायु इतनी कष्टकारी हो जाती है कि लोग धार्मिक अनुष्ठानों एवं उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं ताकि वो जो है उनका रोजगार बना रहे। ठीक है, यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान बहुत सारे होते हैं, उत्सव बहुत सारे मनाए जाते हैं, तो जब भी सर्दी का टाइम आता है तो यहाँ के लोग जो हैं धार्मिक अनुष्ठान और उत्सवों में अपने आप को व्यस्त रखते हैं। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो अत्यधिक परिश्रमी होती हैं, आपको देखने को महिलाएं बहुत काम करती हैं। ये जो महिलाएं हैं केवल घर एवं खेतों में ही नहीं काम करती हैं बल्कि छोटे व्यवसाय एवं दुकानों को भी संभालती हैं। ठीक है, यहाँ की जो महिलाएं पहले घर पर काम करेंगी, फिर खेतों में काम करेंगी, साथ ही साथ अपने छोटे मोटे कोई व्यवसाय खोल के रखेंगी, दुकान डाल लेंगी, तो उनको भी संभालेंगे। अर्थात यहाँ की महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। लद्दाख की राजधानी जिसका नाम है लेह, ठीक है,
सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा संभली भांति जुड़ी हुई है। अगर आप लद्दाख को जाकर देखोगे तो यहाँ पर मतलब बहुत सारे राजमार्ग देखने को मिल जाएंगे, यानी कि जाने के लिए यहाँ पर जो यातायात का तंत्र विकसित किया गया है वो बहुत ही सक्सेसफुली और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर यातायात देखने को मिल जाता है। ठीक है, लद्दाख की राजधानी लेह है, सड़क एवं वायु मार्ग द्वारा भली भांति ये जुड़ी हुई है। राजमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला दर्रा होते हुए कश्मीर घाटी से जोड़ता है, ये एक यहाँ के राजमार्ग हुए। दूसरा मनाली लेह राजमार्ग 4 दर्रों से गुजरता है। ठीक है, इसके अलावा रोहतांग ला, बारालाचा ला, इसके अलावा लुनगा लाचा ला, टंगलंग ला, यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है। ये जो चार यहाँ पर बताए जा रहे हैं, ठीक है एक मिनट, ये भी है शायद इसी में, ये जो राजमार्ग बताया जा रहा है राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर के बीच में खुलता है जब बर्फ को मार्ग से हटा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर बर्फ गर्मी के टाइम में कम देखने को मिलती है तो उसी टाइम पे यहाँ पर क्या ये राजमार्ग खोला जाता है। ठीक है, यहाँ का मुख्य क्रियाकलाप जो है वो पर्यटन है। अगर आप लद्दाख में देखोगे तो यहाँ पर ये बड़ी मात्रा में खेती कर नहीं सकते, फैक्ट्रियाँ डाल नहीं सकते, तो यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है वो कौन सा है, पर्यटन है, कि भाई यहाँ पर हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म यहाँ पर है। अब भाई जब से वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं हुई हैं तो टूरिज्म भी बहुत कम हो गया। ठीक है, पहले बहुत सारे लोग जाते थे, आप देखोगे हमारे यहाँ के जितने भी लोगों ने सनातन धर्म में बड़ी बड़ी चीज़ों की खोज की, ठीक है, वो जैसे कि ऋषि कश्यप हो गए जिनके नाम पर कश्मीर का नाम पड़ा था, वो सभी वहीं पर जाकर के शांति की खोज में जाते थे, तपस्या वगैरह करने के लिए वहाँ पर जाते थे और जाकर वहीं पर बड़े बड़े इनोवेशन करते थे। ठीक है, अभी क्या है, वहाँ पर जब टेररिज्म का इतना बड़ा वो हुआ तो लोगों ने जाना बहुत कम कर दिया, विदेशों से भी लोगों ने आना कम कर दिया, लेकिन अभी जब से वहाँ पर धारा 370 हटाई गई है उसके बाद में परिस्थितियाँ काफ़ी कंट्रोल में आई हैं और फिर से अब टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ का जो मुख्य क्रियाकलाप है वो पर्यटन है अर्थात टूरिज़्म है। देश विदेश से अनेक पर्यटक यहाँ पर पर्यटन के लिए आते हैं। गोम्पा दर्शन, घास के मैदानों व हिमनदों की सैर एवं उत्सवों तथा अनुष्ठानों को देखना यहाँ के प्रमुख पर्यटक आकर्षण हैं। तो यहाँ पर अगर आप जाओ, कभी भी जाओ, आजकल तो मतलब बहुत सारे यूट्यूबर भी जाते हैं लद्दाख घूमने के लिए, तो लद्दाख में आपको गोम्पा दर्शन मिलेगा, गोम्पाओं का दर्शन कर सकते हो, घास के मैदान देखने को मिलेंगे, विदेशों में लोग घूमने के लिए आते हैं इन्हें देखने के लिए, हिमनदों की सैर कर सकते हो अर्थात बर्फ की नदियों की सैर। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे उत्सव होते हैं, अनुष्ठान होते हैं, उनमें भी आप शामिल हो सकते हो। लद्दाख के लोगों ने शताब्दियों से प्रकृति के साथ समन्वय एवं संतुलन करना सीखा है। भाई आप जब किसी स्थान पर लंबे समय तक रहते हो तो उस स्थान के बारे में सब कुछ सीख जाते हो। अगर आप किसी स्थान पर लंबे समय तक नहीं रहते हो, अचानक से पहुंच जाओ, अब भाई आप रह रहे हो सारा के रेगिस्तान में और आपको एकदम से आप रात में सो रहे हो और आपको टेलीपोर्ट कर दिया जाए, जैसे आप देखते हो बहुत सारे सुपर हीरो टेलीपोर्ट हो जाते हैं, आपको टेलीपोर्ट करके इस सारा के रेगिस्तान में भेज दिया जाए, अब आपकी स्थिति क्या होगी भाई, आप वहाँ पर लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वही बात यहाँ पर है, देखो लद्दाख में लोगों ने लंबे समय तक यहाँ पर लोगों शताब्दियों से रह रहे हैं, यानी हजारों सालों से। ठीक है, इससे क्या हुआ कि यहाँ के कल्चर से, यहाँ के मौसम से लोग कनेक्ट कर चुके हैं, अब वो ना तो जल्दी बीमार पड़ते हैं, उन्होंने जीना भी सीख लिया है। ठीक है, प्रकृति के साथ में समन्वय और संतुलन करना सीख लिया है। जल एवं ईंधन जैसे संसाधनों की कमी के कारण ये आवश्यकतानुसार एवं मित व्ययता से ही इनका उपयोग करते हैं, यानी कि जितनी आवश्यकता उतना ही और बहुत ही किफ़ायत से इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और कुछ भी व्यर्थ नहीं करते। तो लोगों ने सीखा है, धीरे धीरे इसका अनुभव किया है कि भाई अगर हम इसको व्यर्थ करेंगे तो हमें आगे इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आई होप कि ये चैप्टर आपको यहाँ पर समझ में आया हो। इसी के साथ में हमारी क्लास 7 के NCERT ज्योग्राफी कम्प्लीट होती है। आई होप कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठी हों। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई अभी तक आप वीडियो के साथ में जुड़े हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत ही बुरी बात है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना। जिन लोगों ने अभी तक हमको टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया, कर लो, टेलीग्राम की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। टेलीग्राम पर हम कई सारे नोट्स के PDF वगैरह देते रहते हैं। एंड हाँ, हमारे 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, सबसे जल्दी से करवा दीजिएगा। 1,00,000 सब्सक्राइबर पर हम नोट्स में एक बहुत ही बड़ी डिस्काउंट लाने वाले, जो कि आप लोगों को
को जरूर देखने को मिलेगी। जिन लोगों को हमसे पर्सनली कोई बात करनी है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक का जो URL है, मतलब सर्च करने के लिए डॉट मत लगाना, DRIDSNKLP है, ठीक है, KLP है, ठीक है, तो डॉट मत लगाना, यहाँ पर गलती से लग गया, हम बाद में करेक्शन कर देंगे। और इंस्टाग्राम पर आप ये सर्च कर सकते हो, एंड अगर आप टेलीग्राम पर सर्च करना चाहते हो, वैसे तो हमने लिंक दे दी है, सभी की दे दी है, वैसे टेलीग्राम पर सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, टेलीग्राम पर लिंक यही होगी, डॉट हटा देना, ठीक है, तो ये आपको टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो। इसी के साथ में हमारे क्लास में तो इतना ही आज के था, क्लास 7 के NCERT में 27 पेज के नोट्स बने हैं पूरे क्लास 7 के NCERT ज्योग्राफी के, ठीक है, अभी जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। जिन लोगों को नोट्स लेने हैं इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप हमसे NCERT नोट्स प्राप्त कर सकते हो, बट याद रखना नोट्स के लिए आपको पेमेंट करना होगा, बिना पेमेंट के नोट्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते, हम सारी क्लासेस बिल्कुल फ्री में देते हैं। अभी आप इसे चाहे अच्छा मानो या बुरा, पर मेरा मानना यह है कि जो भी चीज़ व्यक्ति को फ्री में मिल जाती है, लोग उसकी वैल्यू नहीं करते। आप देखो, माँ बाप की प्रॉपर्टी फ्री में मिल जाती है, कोई इज्जत करता? अभी आप अपने दोस्त को अपनी गाड़ी मांग के दे दो, ठीक है, अपनी गाड़ी दे दो, मांग के ले जाए, देखो कितनी उल्टे तरीके से चलाता है, होता कि नहीं होता, ठीक है। अभी पिताजी गाड़ी लेकर के आएँ, फिर आप कितनी बुरी तरीके से चलाओगे, और आप गाड़ी लेकर के आओ, फिर कितने अच्छे तरीके से चलाओगे। तो जो पेमेंट करके जो आप लोगे ना, तो आपको पढ़ने का मन करेगा, फ्री में मिल जाएगा, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे। तो इसीलिए हम नोट्स के लिए पेमेंट लेते हैं, छोटा सा अमाउंट लेते हैं। अगर आपको नोट्स लेना है तो इस नंबर पर मैसेज करके आप हमसे नोट्स प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। चलिए, इसी के साथ में हमारी आज की इस क्लास यहीं पर समाप्त होती है, मिलते हैं कल क्लास 8 की NCERT ज्योग्राफी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।